नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। भारत के गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी है। वो अब जेड श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगे। ऐसा कनाडा में खालिस्तानी समूहों के लगाए गए नए पोस्टर के चलते हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की तस्वीरों के साथ उनकी हत्या करने की बात कही गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तान ग्रुप सिख फॉर जस्टिस ने मंगलवार को पोस्टर्स को लगाया, जिसमें खालिस्तान के में एक अलग देश के लिए जन्म संग्रह का भी ऐलान किया गया। ये सब कुछ ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में मौजूद उसी गुरुद्वारे के बाहर किया गया, जिसका प्रमुख खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर था। इसी गुरुद्वारे के बाहर ही इस साल 18 जून को निज्जर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। पोस्टर्स पर लिखा गया है कि 29 अक्टूबर को वैंकूवर में जन्म संग्रह करवाया जाएगा। इससे पहले सर्रे में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के बाहर 21 अक्टूबर को एक विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि पोस्टर्स में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा, काउंसिल जनरल मनीष और श्रीवास्तव की हत्या की बात भी कही गई है। पहले भी इस तरह के पोस्टर्स लगाकर भारतीय अधिकारियों को चुनौती दी गई है। कनाडा में पोस्टर का गेम ऐसे समय पर शुरू हुआ है जब खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। उसने फिलिस्तीन के हालातों को बयां करते हुए कहा है कि सिख फॉर जस्टिस भी हमास की तरह हमले को अंजाम देगा। बता दें कि हमास ने गाजा पट्टी से इसराइल के ऊपर मिसाइलें दागी। इसके अलावा उसके लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर लोगों की हत्याएं की हैं और इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरू मैके को बुधवार को साउथ ब्लॉक में बुलाया गया और पोस्टर्स को लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई। सरकार ने कनाडाई उच्चायुक्त से कहा है कि कनाडा को तुरंत गुरुद्वारे के बाहर से पोस्टर्स को हटाना चाहिए। साथ ही कहा गया है कि पोस्टर लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ओटावा में ग्लोबल अफेयर्स कनाडा को भी यही बात कही गई है। सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है। इसका मतलब हुआ कि अब उनकी सुरक्षा सेंट्रल रिजर्व सिक्योरिटी फोर्स की वीआईपी सिक्योरिटी विंग करेगी। देश में सिर्फ 176 लोगों को यह सुरक्षा मिली हुई है। जयशंकर की सुरक्षा में 14 से 15 हथियारबंद कमांडो होंगे, जो 24 घंटे उनके आसपास मौजूद होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।